आज रात इजराइल में एक बड़ा हमला संभव है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान कर सकता है एक बहुत बड़ा हमला। पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट किया है, ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट एक्टिव हो गई है। पेंटागन ने IDF चीफ से फोन पर बात भी की है। तो आज रात एक बड़ा अटैक हो सकता है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में इस वक्त बहुत हलचल तेज है। ईरानी सेना साइलो के पास बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचा रही है। ईरान में घोषणा कर दी गई है कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला होने जा रहा है। पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट करते हुए कहा है कि ईरान इस बार 2000 मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। यह हमला 24 से 48 घंटे के अंदर होने जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या आज रात इजराइल का विनाश होगा? ईरानी हमले से जुड़ी पहली ग्लोबल ब्रेकिंग। 48 घंटे के अंदर ईरान करेगा इजराइल पर हमला। ईरानी हमले से जुड़ी दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान। ईरानी हमले से जुड़ी तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन ने ईरान को दी सुरक्षा की गारंटी। ईरानी हमले से जुड़ी चौथी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन की गारंटी के बाद तेहरान पहुंच रहे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरानी हमले से जुड़ी पांचवी ग्लोबल ब्रेकिंग। ईरान की सेना कर रही है बड़े हमले का अभ्यास। ईरान इसराइल पर हमला कब करेगा? ईरान ने इसराइल से बदले का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? कब, कैसे और कहां हमला करेगा ईरान? इसराइल में ईरान के हमले की टाइमलाइन क्या है? आज TV9 भारतवर्ष इसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना 24 से 48 घंटे के अंदर इसराइल में हमला करने जा रही है। ईरानी सेना की जिस तरह की तैयारी है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले 48 घंटे इसराइल पर बहुत भारी है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इसराइल में एक दो नहीं करीब 20 राउंड मिसाइलों की फायरिंग करने वाली है। ईरान की तरफ से हंगरी को जानकारी दे दी गई है कि ईरानी फौज इसराइल पर हमला करने जा रही है। उधर रूस के NSA सरगई शोइगो ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए। शोइगो ने ईरान को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। इसराइल पर हमले से पहले ईरान अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। इसराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। IRGC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान पहुंचना शुरू हो गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियां ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हानिया की हत्या कर इसराइल बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। ईरान इसराइल के साथ साथ अमेरिका से भी जंग लड़ने को तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ बैठक की। ईरानी सेना न सिर्फ हमले का अभ्यास कर रही है बल्कि उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। ईरानी सेना का दावा है कि इसी तरह कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को हमले के लिए तैयार कर दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक ईरान अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इसराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और ईरानी सेना अंडरग्राउंड साइलो में जिस मिसाइल को फायर करेगी अंडरग्राउंड साइलो से, उसका नाम है शुर्रम शहर 4 मिसाइल। यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अपने टारगेट को सटीकता से तबाह करने में बहुत सक्षम है। इसकी स्पीड है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि यह बहुत ही तेज रफ्तार से जाकर हमला करती है। यह अपने साथ 1,800 किलो का बारूद ले जाकर विस्फोट करती है। ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1,500 किलोमीटर के करीब है और खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज है 2,000 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल करीब करीब पूरे इजराइल में पहुंचकर धमाका कर सकती है। ईरानी सेना यानी IRGC ने इस मिसाइल के बारे में जो दावा किया है, उसे सुनकर इजराइल और अमेरिका दहल गए। ईरानी सेना के मुताबिक एक खुर्रम शहर 4 मिसाइल अपने साथ 80 वॉरहेड लेकर जाती है और एक साथ एक समय पर 80 टारगेट को हिट करती है। ईरानी सेना ने कहा है कि अगर वो 100 मिसाइलें फायर करती है तो ये 100 मिसाइलें 8,000 वॉरहेड ले जाकर 8,000 ठिकानों को तबाह कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इस बार 100-100 मिसाइलें 20 राउंड में फायर करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इजराइल पर 2,000 खुर्रम शहर 4 मिसाइल फायर करेगा। 2,000 मिसाइल अपने साथ 1,60,000 वॉरहेड लेकर जाएंगी और इजराइल में 1,60,000 टारगेट को तहस नहस कर देंगी और इस तरह इजरायली धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। ईरान का विध्वंसक हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बात का सबूत तब मिला जब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों और प्राधिकरण को वार्निंग जारी कर दी। ईरान ने कहा है कि पायलट ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें। जॉर्डन के बाद अब सऊदी अरब भी ईरान के हमले के खिलाफ हो गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो ईरान को हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरान को रूस से सुरक्षा की गारंटी मिली तो अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। कतर में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। अमेरिका के 4 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने UAE और सऊदी प्रिंस से बात की है। सेंट कॉम चीफ जनरल माइकल कॉरेला तेल अवीव पहुंचे हैं। उन्होंने IDF चीफ से मुलाकात की। इसराइल भी ईरान के हमले से बचने के लिए तैयारियों में जुटा है। इसराइल ने अस्पतालों की पार्किंग एरिया को इमरजेंसी यूनिट में बदल दिया है। युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल ने घोषणा कर दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो IDF ईरान के एटमी सेंटर को तबाह कर देगी। इस बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर एक के बाद एक 5 धमाके हुए। ये धमाका क्यों हुआ, किसने किया, इसे लेकर ईरान ने दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी है। ये जंग अब सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच नहीं हो रही, ये युद्ध अब अमेरिका और रूस के बीच का पावर शो बनने जा रहा है। एक ऐसा पावर शो जिसमें कई देशों का खात्मा हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इसराइल में हिजबुल्ला का बड़ा हमला, ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तरी इसराइल के कई शहरों में हमला किया है। रॉकेट हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये उस रॉकेट हमले की तस्वीरें आपके सामने। तो इसराइल के दी एंड यानी संपूर्ण खात्मे के लिए ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान किया है। खामनेई में बनी इस योजना को ऑपरेशन 7 कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान 7 फ्रंट से इसराइल पर हमला करेगा। हमला करने के लिए 7 अलग अलग ग्रुप को तैयार किया गया है। अमेरिका के भी 7 ठिकानों को इराक में निशाना बनाने की तैयारी है। प्लान ऐसा है कि इसराइल के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। खामनेई के 7 इलाकों वाले चक्रव्यूह में इसराइल किसी भी मोर्चे पर मजबूत साबित हुआ तो बाकी के मोर्चे से बारूदी कहर बरपाया जाएगा। खामनेई के ऑपरेशन 7 की पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। हमले का ऐसा प्लान कि हर इंतजाम हो जाएगा नाकाम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ऐसी योजना कि इसराइल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इतने फ्रंट कि इसराइल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा। एक दो नहीं बल्कि ईरान इसराइल पर 7 दिशाओं से हमले की योजना में है। इसराइल के खात्मे के लिए खामनेई का ऑपरेशन 7 बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश नजर आता है इसराइल। जरा सोचिए, इस छोटे से इलाके पर 7 दिशाओं से मिसाइल की वर्षा हुई तो क्या होगा। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया था, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था, लेकिन ईरान ने वक्त लिया और हमला अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि ईरान सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश से काम ले रहा है। खामनेई ने इसराइल पर हमले के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को जो फाइल दी है उस पर ऑपरेशन 7 लिखा गया है, जिसके तहत इसराइल पर 7 जगहों से हमले होंगे। 7 ग्रुप को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरान का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में ही कई तरफ से इसराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इसराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इसराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की हुई है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इसराइल पर चारों तरफ से हमले हो। अमेरिका से निपटने के लिए भी ऐसी ही तैयारी है। इसराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका के 7 ठिकानों पर भी हमले किए जाने की प्लानिंग है। इसकी शुरुआत इराक में अमेरिकी बेस पर हमले से हुई है। अमेरिकी बेस पर हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्ला ने भी इसराइली बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसराइल के बेरोन बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया गया। इराक में अल असद बेस पर भी हमला किया गया। अल असद पर अमेरिका की सेना तैनात है। 3 धमाकों में 2 मौत के साथ 12 सैनिक जख्मी हो गए। लेबनान सीमा पर भी पूरी रात गोलाबारी होती रही। इसराइल के सफद इलाके में एक और बेस पर ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन धमाके में इसराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है, कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। ये तमाम हमले ईरान की प्लानिंग का ट्रेलर है।
युद्ध की शुरुआत इसी तरह से की जाएगी। प्रॉक्सी संगठन इराक में अमेरिकी बेस पर हमले शुरू करेंगे। तो वहीं फ्रंट पर हिजबुल्ला, हौती और हमास जैसे संगठन रहेंगे, यानी बॉर्डर पर इसराइल प्रॉक्सी संगठनों से जूझ रहा होगा। और इसी बीच ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इसराइल के अहम ठिकानों पर कहर मचाएंगे। ईरान के पूरे चक्रव्यूह के बारे में अब आपको बताते हैं। और गाजा और वेस्ट बैंक हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, ये संगठन भी जंग के दौरान हमले तेज करेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। लेबनन से हिजबुल्ला का प्रहार जारी है, यानी ये तीन ऐसे फ्रंट हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमले का सामना करने वाला है। वो तीन फ्रंट है कौन से हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सात दिशा सात दुश्मन इजराइल से जंग, जो हम गाजा की बात कर रहे थे, गाजा की बात सबसे पहले देख लीजिए। गाजा और वेस्ट बैंक हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, वेस्ट बैंक में ये संगठन भी जंग के दौरान हमले तेज करेगा। दूसरा, लेबनन से हिजबुल्ला का प्रहार जारी, यानी ये तीन ऐसे फ्रंट हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमले का सामना करने वाला है। ये देखिए, अब ये देखिए आपके सामने दूसरा फ्रंट आ गया, और इसके बाद सीरिया में हमलों की शुरुआत हो गई। यहां से प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू करेंगे। अब खामनेई के पूरे चक्रव्यूह को देखिए, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनन, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे। ईरान की सेना भी हमले करेगी। और इसके अलावा यहां पर जो हम आपको सात फ्रंट बता रहे हैं, इसमें ये फ्रंट बहुत अहम है, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनन, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे, ईरान की सेना भी इस पर हमले करेगी। ये आपके सामने ग्राफिक के जरिए आप देख रहे हैं। खामनेई ने सात ऐसे फ्रंट तैयार कर लिए जहां से इसराइल पर हमले की तैयारी है। इन इलाकों में मौजूद तमाम संगठनों तक हथियार पहुंचाने में ईरान को वक्त लगा है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि ईरान ने हमले के लिए वक्त लिया है। पूरी तैयारी होते ही इसराइल पर भारी हमला होने वाला है। हिजबुल्ला ने हमले की रफ्तार को और तेज कर दिया है। इसराइल के एलात इलाके में सेना का नया मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन हिजबुल्ला ने सोमवार की रात को सेना के इसी ठिकाने पर हमला कर दिया। सोमवार को सुबह 8:15 बजे हिजबुल्ला ने इसराइल के मलकिया में ड्रोन से हमले किए। सुबह 10:05 पर इसराइल के रमिम में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से प्रहार किया गया। दोपहर 12:40 पर जरित में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से गोले दागे गए। फिर 12:50 पर रसल नकुरा नेवल साइट पर हमला किया गया। शाम 6:05 पर खिरबेद मार में इजरायली आर्टिलरी पर रॉकेट प्रहार हुआ। शाम 7:00 शेबा फार्म इलाके में इजरायली सेना पर हमला हुआ। हिजबुल्ला ने इसराइल के माउंट नेरिया बेस को भी निशाना बनाया है। इस इलाके में कई ड्रोन से हमला किया गया। माउंट नेरिया में इसराइल की गोलानी फोर्स ने बेस बनाया है। हिजबुल्ला ने यहां गोलानी फोर्स के अफसरों को टारगेट किया। माउंट नेरिया में कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। गोलानी फोर्स इसराइल की पैदल सेना है। इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हिजबुल्ला के ड्रोन और रॉकेट अब एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। इराक के जिस अमेरिकी बेस पर हमला हुआ वहां सी रैम एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन अल असद बेस पर फिर भी धमाका हो गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला ईरान के अर्श 122mm रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने फौरन विमान भेजकर अपने जख्मी सैनिकों को रेस्क्यू किया है।
हालांकि हिजबुल्ला पर इसराइल का टारगेटेड हमला जारी है। एक ड्रोन अटैक में हिजबुल्ला के कुछ लड़ाकों को मारने में कामयाबी मिली है। लेबनान के कई इलाकों में इसराइल ने फिर हवाई हमला किया है। समंदर में अमेरिका की तैनाती भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका का वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप लेबनान इसराइल के करीब बढ़ रहा है। इसराइल और अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार ईरान के पहले हमले का है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान पर पहला प्रहार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस का एमएलआरएस से बारूदी वज्रपात, हमले में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के 16 सैनिक भी मारे गए। तो कल यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी विनाश की रात थी, क्योंकि बीती रात रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी हमले किए। रूस ही नहीं बल्कि किम ने बारूदी जखीरे से इंपोर्ट की गई घातक मिसाइलें भी दागी। इस हमले के बाद यह दावा किया जा रहा है कि कीव के करीब 70% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और मौजूदा वक्त में पुतिन की फौज पश्चिमी कीव में दाखिल भी हो चुकी है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में पूरे कीव पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है। कीव में रूसी ध्वज लहरा सकता है। आखिर कैसे, देखिए। अगले 48 घंटों तक कीव का कोना कोना बारूदी भूचाल से दहल जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव पर डबल फ्रंट से प्रचंड प्रहार किया जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव की धरती मिसाइल हमलों से थर्रा जाएगी। इतना ही नहीं, आशंका ये तक जताई जा रही है कि 48 घंटे बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ध्वज लहराएगा। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूसी ब्रिगेड ने पूर्वी और पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों से हमला किया। यकीन मानिए, रूस के इन हमलों से कीव का कोना कोना धधक उठा। दरअसल बीती रात रूस ने राजधानी कीव पर विध्वंसक अटैक किया, जहां कीव को दहलाने के लिए रूस ने स्कंदर मिसाइल दागी। कीव पर हमले के लिए KN-23 मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा है कि अब रूसी ब्रिगेड नीप्रो लाइन से आगे बढ़ चुकी है। रूसी फौज ने कीव में ग्राउंड ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था, और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की और फिर नीप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली नीप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। मगर अब रूस की थल सेना नीप्रो लाइन को भी क्रॉस कर पश्चिमी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। वहीं ईस्टर्न फ्रंट से लगातार पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों की बारिश की जा रही है और करीब 70% कीव पर यूक्रेन का कंट्रोल हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने जंग का आगाज किया था, और जंग के 30 महीनों बाद रूसी ब्रिगेड को बड़ी कामयाबी मिली है, और वो है 70% कीव पर कंट्रोल।
दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिगेड ने सबसे पहले ईस्टर्न फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की और फिर रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट से कीव की तरफ कूच करते हुए पूर्वी कीव के इलाकों में भीषण हमला बोला। दरअसल कीव को निप्रो नदी दो हिस्सों में बांटती है, लिहाजा निप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव का हिस्सा कुछ वक्त पहले ही रूसी ब्रिगेड के कब्जे में आ चुका था और मौजूदा वक्त में रूसी ब्रिगेड निप्रो लाइन को क्रॉस कर पश्चिमी कीव में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक को अंजाम दे रही है। दावा किया जा रहा है कि राजधानी कीव के 70% इलाके पर रूसी ब्रिगेड का हमला हो चुका है। वही आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अब बेलारूस फ्रंट से भी रूसी सेना कीव के बाकी बचे हिस्से पर बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। ठीक इसी तरह रूस ने पहले डोनेस्क लुहांस को जीता, फिर अवदीप का मारियोपल में रूसी झंडा लहराया। और हाल ही में खार्किव फतेह के साथ ही पुतिन ब्रिगेड ने अपने अगले टारगेट यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर चढ़ाई कर दी ताकि कीव के कोने कोने को तबाह किया जा सके और फिर कीव पर रूसी ध्वज लहराया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही रूस ने नीप्रो लाइन से कीव पर धावा बोला, ज़ेलेंस्की सरकार में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की समेत पूरी कैबिनेट ने लवीव और क्रिवी री में शरण ली। ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारियों ने भी कीव छोड़ा। दावा है कि ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री सीक्रेट बंकर में छिपे हुए हैं। मतलब यह है कि हमले के डर से अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की समेत तमाम सरकार के मंत्री और अधिकारियों को खुफिया अड्डों में दुबकना पड़ा और इसकी वजह थी कीव तक रूसी सेना की दस्तक। जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव ज़ेलेंस्की के हाथ से रेत की तरह फिसलने वाली है। एक तरफ कीव पर रूसी फौज इस्कंदर से तबाही मचा रही है तो वही कीव में तबाही के लिए रूसी डिफेंस किम के ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम KN-23 मिसाइल है, जो एक अनगाइडेड हथियार है, कहीं भी बारूदी भूचाल ला सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में बनी KN-23 मिसाइल अचूक और सटीक निशाना लगाने के बजाय अनियंत्रित होकर टारगेट को हिट करती है। ऐसे में रूसी डिफेंस किम के बारूदी जखीरे से निकली इस मिसाइल की कमजोरी का फायदा उठा रहा है और KN-23 मिसाइल के जरिए कीव में कोलैटरल डैमेज कर रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में रूस ने नॉर्थ कोरिया से KN-23 मिसाइल का सौदा किया था। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल KN-23 एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। KN-23 का कुल वजन करीब 3500 किलो है। यह मिसाइल 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में इस मिसाइल को वॉनसोंग 11 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी रूसी डिफेंस KN-23 मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचा चुका है, भीषण नरसंहार को अंजाम दे चुका है, मगर इस बार इस मिसाइल ने कीव में कोहराम मचाया है। इस हमले के जरिए रूस पश्चिमी देशों और यूक्रेन की जनता को मैसेज देना चाह रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की की जिद ऐसे ही जारी रही तो जल्द ही यूक्रेन अपनी राजधानी को खो देगा। ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की जनता ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो जाए ताकि जनता ही यूक्रेन में तख्ता पलट कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बांग्लादेश से अब खबर है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस बोले, अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए मैं तैयार हूं। ये मोहम्मद यूनिस ने कहा। प्रदर्शनकारी छात्र चाहते हैं मैं नेतृत्व करूं, देश में स्वतंत्र चुनाव का भी भरोसा उन्होंने दिलाया।
तो प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन बांग्लादेश में मौजूद 1,31,00,000 हिंदुओं की जान खतरे में, हिंदू परिवार दहशत में, बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार उनके घरों को निशाना बना रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। कुल 27 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर है। सवाल है कि बांग्लादेश में हिंसा के बाद अचानक अल्पसंख्यक हिंदू टारगेट पर क्यों आ गए, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं घरों को आग के हवाले कर दिया गया, कहीं घरों को लूट लिया गया, कहीं बंद दरवाजों के पीछे लोग डर के साए में चीखते रहे। तो कहीं हिंदुओं के मॉल और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, एक एक सामान लूट लिया गया। ये सभी तस्वीरें बांग्लादेश की हैं और ये सभी हमले हिंदुओं पर हुए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद 1,00,00,000 से ज्यादा हिंदुओं की जान पर संकट मंडरा रहा है। सोमवार को शुरू हुई हिंसा के बाद जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, भीड़ ने पहले पीएम हाउस और सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू धर्म से जुड़ी आबादी आ गई। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया जाने लगा, उनके घरों को फूंक दिया गया। जरा इस तस्वीर को देखिए, घर की खिड़की खुली है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर के बाहर कट्टरपंथी आगजनी कर रहे हैं और डर से चीखती सिसकियां लेती एक महिला ईश्वर से जान बचाने के गुहार लगा रही है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, सोफा, बेड, घर का जो भी सामान हो सकता है, परिवार ने उसे दरवाजों से सटा दिया है। कोशिश है कट्टरपंथी भीड़ को घर में घुसने से रोकने की। खिड़की, दरवाजे, हर तरफ गुस्साई भीड़ है जो बस किसी भी तरह घर में घुसना चाहती है। पूरा परिवार डर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की ये कोई एक या दो तस्वीरें नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उपद्रवी हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं और घर में मौजूद लोगों को धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू परिवार दहशत में है। ढाका के कई इलाकों में हिंदुओं के घरों को बर्बाद कर दिया गया। बांग्लादेश में 27 ऐसे जिले हैं जहां हिंदू कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों के टारगेट पर हैं। इनमें सबसे बुरा हाल ढाका, नोआखली, बोगुरा, कांडीपारा, लाल मोनिरहाट, कालीगंज, हाथीबंधा और पंचगढ़ के हैं। कट्टरपंथियों की नफरत ऐसी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों तक को खासतौर से चिन्हित करके लूटा जा रहा है। ये वीडियो छतर ग्राम का है जहां हिंदू मालिक के मॉल को दिन दहाड़े लूट लिया गया। तस्वीरों में दंगाई भीड़ लूटपाट करती नजर आ रही है, जिसके हाथ में जो सामान आया उठाकर ले गया। सामान लूटने के बाद भीड़ ने बचा हुआ सामान तोड़ डाला। बांग्लादेश से आई अराजकता की एक और वीडियो देखिए। नोआखली में मौजूद स्कॉन टेम्पल पर भी कट्टरपंथी भीड़ ने हमला कर दिया, पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। महारानी एवं बलदेव सबको जय जगन्नाथ स्वामी की भगवान। ये बांग्लादेश के कांडीपारा जिले में मौजूद बेहद प्रसिद्ध काली मंदिर है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ डाला। मंदिर में रखी कुछ मूर्तियों को बाहर फेंक दिया गया।
1971 में बांग्लादेश की आजादी में हिंदुस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया था और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से भारत से अच्छे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि यहां हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। हिंदू आबादी को शेख हसीना समर्थक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी का है। ये दोनों पार्टी अल्पसंख्यक हिंदू विरोधी रही। बांग्लादेश में अचानक हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन की एक बड़ी वजह है। कट्टरपंथियों में गुस्सा किस कदर घर कर चुका है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। धू धू कर जलता ये घर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा का है। एक वक्त मुर्तजा बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी नहीं बख्शा। घर में तोड़ फोड़ की और उसे जला डाला। आने वाले दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात बद से बदतर हो सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें सेना मोहम्मद शहाबुद्दीन का साथ दे रही है। बांग्लादेश में बहुत जल्द एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। इस बीच पाकिस्तान की पूर्व पीएम खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का झुकाव कट्टरपंथी विचारधारा की ओर रहा है। उन्हें अल्पसंख्यक हिंदुओं का विरोधी माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आग और ज्यादा भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ब्रिटेन में जारी हिंसा को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मुस्लिम शरणार्थी और दक्षिण पंथियों के बीच जारी हिंसा रुक नहीं रही है। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। डर इस बात का है कि ब्रिटेन की हिंसा गृह युद्ध की शक्ल ना ले ले। एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन ब्रिटेन में धधकती हिंसा की आग शांत नहीं हो रही। शहर शहर मुस्लिम शरणार्थी और दक्षिणपंथी एक दूसरे के खिलाफ बवाल काट रहे हैं। ब्रिटेन में हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये प्लेमाउथ शहर की है, जहां सड़क के एक तरफ मुस्लिम शरणार्थी हैं, दूसरी तरफ उनका विरोध करते दक्षिणपंथी। पुलिस दोनों को काबू करने की कोशिश कर रही है। ये शाम 5 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं। रात होते होते हालात बेकाबू हो जाते हैं और दोनों गुट एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। दंगाइयों को काबू करने के लिए पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, जिसके बाद दंगाई पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। ब्रिटेन के लिवरपूल, मैनचेस्टर, संडरलैंड, हल, बेलफास्ट, लीड्स और प्लेमाउथ शहर में हिंसा की आग भड़की हुई है। सबसे बुरे हालात प्लेमाउथ शहर के हैं। जरा इन तस्वीरों में देखिए, नकाबपोश प्रदर्शनकारी सड़कों पर घूम रहे हैं। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। पूरी सड़क पर सिर्फ कांच ही कांच नजर आ रहा है। गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर कर दिए गए हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब जरा रॉटरहैम शहर की तस्वीरें भी देख लीजिए।
यहाँ भी नकाबपोश दंगाइयों ने घरों पर पत्थरबाजी कर खिड़कियों के कांच फोड़ डाले। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर संघर्ष भी हुआ। बेलफास्ट में भी जमकर बवाल हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने कई होटलों के कंपाउंड में आग लगा दी। सड़क पर जाती गाड़ियों को घेर कर आग के हवाले कर दिया। ब्रिटेन में फैली हिंसा की वजह सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी है। दरअसल साउथपोर्ट में एक शख्स ने 3 बच्चियों की चाकू से हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था, जिसके बाद दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिनके विरोध में मुस्लिम शरणार्थी भी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद से ही हिंसा जारी है। माना जा रहा है कि दंगाइयों के टेलीग्राम ऐप पर कई ग्रुप्स बने हुए हैं, जिनमें प्रोटेस्ट से जुड़ी जानकारियां प्रसारित की जाती हैं, जिसके बाद दंगाई एक जगह इकट्ठा होते हैं और हिंसा भड़क जाती है। हालांकि ब्रिटेन के पीएम ने ऐसे लोगों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्रिटेन से निकली ये आग आयरलैंड में भी फैलने लगी है। यहाँ भी शरणार्थी और दक्षिणपंथी आपस में भिड़ गए। इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को फूंक डाला। डर है कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन में हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसे देखते हुए नाइजीरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और यूएई ने अलर्ट भेजकर ब्रिटेन में रहने वाले नागरिकों को प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही यात्रा करने वाले नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, 48 घंटे के लिए ईरान नो फ्लाई जोन बन गया है। ईरानी नो टाइम के बाद इसराइल में रेड अलर्ट है। इसराइल पर ईरान के हमले की आशंका बढ़ गई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान इसराइल पर अटैक कर सकता है, ऐसी खबरें हैं। और अब खबर है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। और अब बात उस हथियार की जो अपने दम पर युद्ध बदल सकता है। चीन ने एक हाइब्रिड ड्रोन तैयार कर लिया है, जो जल, थल और नभ में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। चीन के इस आविष्कार के बाद ड्रोन युद्ध का एक नया चैप्टर खुल सकता है। ये समंदर के अंदर जाकर पनडुब्बियों को तबाह कर सकता है। ये धमाका कर युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये हवा में लड़ाकू विमानों को ढेर करने का मादा रखता है। जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को जला देता है। ये ड्रैगन का हाइब्रिड ड्रोन है, जो जल, थल और नभ में मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। युद्ध के मैदान में यह हाइब्रिड ड्रोन चीन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।